अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका अज़ीज़ हकीम नदीम रज़ा नाज़रीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफ़ियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से खूब खूब कामयाबी और कामरानी आप जहाँ भी होंगे हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, तिल के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन तिल अगर आज आपने मेरे तरीक़े से इस्तेमाल कर लिया, जो तरीक़ा इस्तेमाल का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से तिल का सेवन कर लिया, तो इंशाअल्लाह ये आपकी मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफ़ा कर देगा। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको तिल का इस्तेमाल करके अपनी मर्दाना ताकत में चार चांद लगाने हैं, वही बातें कर ली जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तिल आपको लेना है काला वाला, और कैसे किस चीज़ के साथ में आपको इस्तेमाल करना है वही मैं आपको बता दूँ। तो काला तिल आपने लेना है 100 ग्राम, और गुड़ आपको लेना है 250 ग्राम। और गुड़ अगर पुराना मिल जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुराना गुड़ लेकर के आप तिल को और गुड़ को मिक्स करके आपस में कूटें और इसका पेस्ट आप तैयार कर लें। जब ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसके लड्डू बना लें, जो आम तौर से लड्डू होते हैं उसी के साइज़ के आपने लड्डू बनाने हैं। और रात को सोते वक्त गाय के दूध के साथ एक लड्डू रोज़ाना आपको खाना है। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपका आलाए तनासुल बिल्कुल उठता ही नहीं है, तो अल्लाह के फजल करम से उठना स्टार्ट कर जाएगा।